सरगुजा स्टेट में दशहरा रियासत कालीन समय से परंपरागत रूप से मनाया जाता है। आज भी दशहरे के शुभ दिन पर राजसी परंपरा अनुसार राज परिवार के सदस्य पैलेस के मुख्य द्वार पर विधि पूर्वक शस्त्र पूजन, द्वार पूजन एवं नगाड़ा पूजन करते हैं और फिर सभी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हैं। रियासत काल में लोग अपने महाराज से मिलने के लिए सरगुजा के विभिन्न कोनों से आया करते थे और ये प्रथा आज भी जारी है। इसलिए दशहरे के दिन पैलेस के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए जाते हैं और राज परिवार के सदस्य लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रियासत काल में सरगुजा के हिज हाइनेस महाराज बहादुर रामानुज शरण सिंह देव का दशहरे का हाथियों का प्रोसेशन मैसूर के दशहरे से भी जबरदस्त और भव्य हुआ करता था। सरगुजा स्टेट में उस समय 100 से भी अधिक हाथी थे, जिसमें से करीब 50 हाथी बहुत ही विशाल थे। दशहरे के दिन सब हाथियों को सजाया जाता था और इन सजे धजे हाथियों का प्रोसेशन बैंड की धुन पर पैलेस से बंजारी मठ तक जाता था। पहले हाथी पर स्वर्ण होते पर महाराज सवार होते थे एवं बंजारी मठ पर जाकर नीलकंठ उड़ाते थे। भारत में दशहरे के दिन